चुनाव में क्या करेंगे, सम्मानित कर रहे हैं एक बार किया जाए। ये कुर्सी का कोई ये नहीं है, लालच नहीं है, ना ही मुझे कोई पद का। सबसे पहले तो मैं मुखिया जी को धन्यवाद बोलूंगी जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया, और सभी जो यहाँ पे गड़ाड़ के हमारे भाई बंधु नौजवान बच्चे हमारी महिलाएं बहने और मेरे साथ आए हुए, मेरे साथ मेरी बहन बड़ी बहनौती गिरी जी, मुखिया संघ जिला अध्यक्ष चौहान जी, चंद्रमा पासवान जी, विक्रांत जी, इस हुसैनगंज ब्लॉक के प्रमुख रिजवान भाई आदि जी, सभी लोग यहाँ पर जो यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हैं गरार के, सभी को मैं आदाब प्रणाम करती हूँ। बहुत खुशी हुई यहाँ आकर, हमें लगा था कि लोग बेसब्र हो रहे हैं, लोगों को जानने की इच्छुक है कि हम चुनाव में क्या करेंगे। चुनाव कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आज 15 साल हो गए, 14 साल हो गए हैं, 15वां चल रहा है, लास्ट ही है, हम लोग कोई पावर और इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल हमेशा सुकून रहता है कि सिवान के जन जन से एक एक इंसान जो हमारा अपना परिवार है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। मुझे कुर्सी का कोई ये नहीं है, लालच नहीं है, ना ही मुझे कोई पद का। मैं जैसी हूँ वैसे आपके साथ सदैव रहना चाहती हूँ, हमेशा दुख सुख में खड़े रहेंगे आप लोग मेरे साथ, मैं आप लोगों के साथ। यही मेरा प्रण है कि जन जन में एक एक इंसान से जुड़े हुए आपके साहब, मेरे पति डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब जो स्नेह प्रेम बनाकर गए हैं, वो मैं बनाए रखूं ता जिंदगी तक जब तक मैं हूँ, और आने वाले दिन में जो मेरे साथ सभी भाईगण छोटे बड़े जो चल रहे हैं वो आगे लेकर चलेंगे, मुझे पूर्ण उम्मीद है। और मैं इसी उम्मीद के साथ मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं इसलिए नहीं जाती हूँ पार्टी पॉलिटिक्स का प्रचार के लिए, मैं लोगों के बीच जाती हूँ हाल चाल जानने, दुख सुख शेयर करने। जो नौजवानों में बेरोजगारी है उसे मैं देखकर दुखी होती हूँ, जो आए दिन चोरी चक्का मर्डर ये सारे काम कांड जो हो रहे हैं उसे मैं बहुत दुखी हूँ। मैं चाहती हूँ कि किसकी सबकी दुख को हर लू, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान एक आम नारी हूँ। मेरे मन में बहुत श्रद्धा है कि मैं भी इसी बात के लिए उतना ही काम करूं जितनी मेरी शक्ति है, मैं जितनी साहब की परछाई बनकर करना चाहती हूँ। एक मौका मिले, लेकिन मिले या ना मिले, जो आप लोगों का मान सम्मान है ये मेरे लिए काफी है। कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है, सम्मान सबका बराबर है, जीने का हक सबको बराबर है। और मैं तो कभी भी सिवान में जब भी निकली हूँ मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ एक शब्द नहीं बोली हूँ, झंडा लाल हो हरा हो पीला हो नीला हो, मेरे लिए सब बराबर है, क्योंकि एक एक बंदा जो है सिवान का वो मेरा अपना है, इस सिवान की धरती का है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती का है, तो उस धरती को मैं नम्र करती हूँ और सभी को मैं अपने दिल में रखती हूँ, और ये परिवार लेकर चलना मेरा कर्तव्य है और आपके सहयोग से मैं चलती रहूंगी।